पैन गरम हो गया है, इसमें हमने एक चम्मच देसी घी लिया है, 1/4 चम्मच हम डालिए जीरा, तो भून लेते हैं थोड़ा सा। एक कप हमने रोस्टेड मूंगफली ली जिसको हमने दरदरा पीस लिया, इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा और 1/4 चम्मच गरम मसाला, साथ में डाल देंगे एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च और देगी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, इनको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया और पुदीना, इन सबको हम 1 मिनट तक भूनेंगे। ये भुन गया है, गैस को हम बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। एक कप हमने साबूदाना लिया जिसको रात भर भिगो के रखा, ये देखिए ये कितना फूल गया है, और एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया छन्नी की सहायता से। अब हम इसको इसमें डाल लेंगे 6 उबले हुए आलू जिनको मैंने छील लिया, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च, इन सबको मिला के मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। हरा धनिया लेंगे और पुदीना लेंगे, इन सबको मैं साबुदाने में मिक्स करूंगा। आलूओं को हम अच्छी तरह से फोड़ेंगे ताकि इनमें लम्स ना हो, और साथ में साबुदाना को भी मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें डाल देते हैं जो हमने मूंगफली का मसाला बनाया था वो, इसको मिला लेते हैं और डो की तरह हम इसको भून के तैयार करेंगे। हाथ में हम तेल लेंगे और साबुदाना बड़ा बना लेंगे, किसी भी साइज का बना सकते हैं, ये देखिए इसी तरह सारे बड़े हम तैयार कर लेंगे। तेल गरम हो गया है और धीमी गैस पे करारे होने तक हम इनको डीप फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक हमने मीडियम गैस पे सेका, अब हम इनको पलट लेते हैं और गैस को हम कम कर देंगे। करारा होने तक इनको सेक लेंगे, कभी कम कभी ज्यादा फ्लेम करते हुए हमने इनको करारा होने तक सेक लिया। अब हम इनको निकाल लेंगे।